होने जा रही है, जिसमें संपूर्ण भारत देश के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं युवा कार्यकर्ताओं का कन्याकुमारी की सभा में भारी संख्या में समर्थन देखने को मिला। इसी तारतम्य में संस्कार धानी जबलपुर की महात्मा गांधी टाउन हॉल स्थित में जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू से चर्चा में उन्होंने बताया, आज राहुल गांधी भारत छोड़ो यात्रा का आगाज कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस का हर वरिष्ठ एवं युवा कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित हुए। राहुल गांधी जी की यात्रा लगभग पांच महीने से अधिक चलने वाली है और यह यात्रा कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक 3500 किलोमीटर पैदल की जाएगी, जिसमें जबलपुर नगर के सभी कार्यकर्ता प्रतिदिन उपस्थित रहेंगे। साथ ही राजस्थान सरकार में जेल मंत्री टीका राम ने बताया, आज भारतीय जनता पार्टी देश की उच्च संस्थाओं का बड़ा दुरुपयोग कर रही है। भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों एवं ईडी सीबीआई के द्वारा जो छापेमार कार्रवाई बीजेपी को छोड़कर अन्य राजनीतिक दलों पर कर रहे हैं, यह संविधान और लोकतंत्र पर एक बड़ा खतरा है। सबसे ज्यादा बलात्कारी और भ्रष्टाचारी तो भारतीय जनता पार्टी में है। यह भारत छोड़ो यात्रा सभी भारतीयों को एकत्र करने और अपने अधिकार की लड़ाई के लिए एक जागरूकता का अभियान है। राहुल जी, कन्याकुमारी से जो यात्रा कल सुबह शुरू होनी है उसको लेकर आज एक सभा कन्याकुमारी में है, जिसके तारतम्य में जबलपुर शहर में भी सर्वधर्म प्रार्थना सभा यहां रखी गई है, जैसा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा और पीसीसी के द्वारा हम लोग निर्देशित हैं। यहां पर आज हम लोग लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं और अपना लाइव कार्यक्रम यहाँ से जारी कर रहे हैं। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का मतलब सिर्फ आज यही है कि हम लोग इस बात की प्रार्थना कर रहे हैं कि राहुल जी ने एक बहुत बड़ा बीड़ा भारत देश में उठाया है, पूरे देश को एक करने के लिए, देश को जोड़ने के लिए, देश में जिस बात की परेशानी है उनको उठाकर उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए राहुल जी ने एक बहुत बड़ा कदम, लगभग 5 महीनों की यात्रा, 3500 किलोमीटर की यात्रा भारत देश में तय की है। कल सुबह 10 बजे हम लोग भी यहाँ पर यात्रा करेंगे, सांकेतिक यात्रा होगी। उसके बाद हमारे जो 79 वार्ड हैं, 79 वार्डों में लगभग 79-80 दिन जबलपुर शहर में भी यात्रा होगी रोज, और उसके अलावा जितने दिन राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में होंगे, पूरे 16 दिन जबलपुर शहर से एक टुकड़ी रोज जाकर, एक ब्लॉक से लोग रोज जाएंगे और वहां राहुल जी की यात्रा में शामिल होंगे।